हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें बटिस्टा वर्सेस रैंडी ऑर्टन की मैच देखने मिलेगी इन द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 35, और ब्रॉक लेसनर के बड़े मनी इन द बैंक स्टेटस के बारे में भी। दोस्तों, हमारे पास बहुत बड़ी एंड शॉकिंग न्यूज है जिसे सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। रेसलमेनिया 35 के लिए अभी से ही इतनी बड़ी अपडेट्स आ रही है, पर वो बड़ी न्यूज सुनाने से पहले मैं आपको कुछ बड़े अपडेट्स देना चाहता हूँ। दोस्तों, प्रो रेसलिंग टीज सुपरस्टोर्स जो है शिकागो में, वो बड़ा फेमस है फॉर मीट एंड ग्रीट, जहां रेसलिंग वर्ल्ड के काफी सुपरस्टार्स आए हैं। पर जब प्रो रेसलिंग टीज ने अनाउंस किया ट्विटर पर कि सीएम पंक भी आने वाले हैं, तो इंटरनेट एकदम से एक्सप्लोड हो गया। सीएम पंक के अपियरेंस की डेट है August 31, 2018, और दोस्तों पंक ने बहुत टाइम के बाद रेसलिंग इवेंट पर अपियरेंस दिया है, और वो प्रो रेसलिंग का ट्वीट ये रहा। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट है द यूनिवर्सल चैंपियन बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि पहले रूमर्स आए थे कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप मनी इन द बैंक पेपरव्यू में डिफेंड करेंगे, पर अब न्यू रिपोर्ट्स आई है कि ब्रॉक लेसनर मनी इन द बैंक पेपरव्यू में नहीं आएंगे। ब्रॉक लेसनर जुलाई मंथ के एक्सट्रीम रूल्स पेपरव्यू तक आ जाएंगे टू स्टार्ट हिज बिगेस्ट फ्यूड फॉर समर स्लैम। और दोस्तों, रूमर्स आए थे कि डेव मेल्सर ने कहा था कि ब्रॉक लेसनर ने टाइम ऑफ लिया है जुलाई तक का, क्योंकि वो UFC ट्रेनिंग कर रहे हैं। पर अभी अपडेट आई है कि ये सब झूठे रूमर्स थे, डेव मेल्सर ने ऐसा कुछ रिपोर्ट्स दिया ही नहीं था। और दोस्तों, एक बात की पॉसिबिलिटी है कि ब्रॉक लेसनर अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप डायरेक्टली समर स्लैम में ही डिफेंड करेंगे। और दोस्तों, वैसे भी ब्रॉक लेसनर पर UFC का बैन है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यूसाडा ब्रॉक लेसनर को अलाउ करती है या नहीं इस साल UFC में फाइट करने के लिए। एंड द बिगेस्ट न्यूज ऑफ ऑल, दोस्तों जैसे आपको पता है कि बटिस्टा को WWE में आना है, पर WWE उनका फोन कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। बटिस्टा को WWE में आना है एज अ फुल टाइम परफॉर्मर, और वो लाइव इवेंट्स करने के लिए भी रेडी है, पर एक ही शर्त पर कि रेसलमेनिया 35 में उनको Triple H के साथ मैच चाहिए। और बटिस्टा ने कहा कि अगर रेसलमेनिया 35 में Triple H से उनकी मैच नहीं होती तो रिटायरमेंट ले लेंगे। पर अब रिसेंटली उनके और एक क्लोज फ्रेंड द वाइपर रैंडी ऑर्टन ने ट्वीट किया है कि एवेंजर्स 3 बहुत ग्रेट थी एवेंजर्स सेकेंड पार्ट की तरह, और क्या पता मैं रेसलमेनिया हेडलाइन करूं ट्रैक्स के साथ। दोस्तों, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने तो एकदम फाड़ के रख दिया है बॉक्स ऑफिस, और उसमें बटिस्टा ट्रैक्स का रोल भी एकदम ऑसम था, तो इससे बटिस्टा के चाहने वालों की गिनती और भी ज्यादा बढ़ गई है। और हम होप करते हैं कि बटिस्टा बहुत जल्द आए WWE में, और उनकी मैच हमें देखने मिले टॉप स्टार्स के साथ, जैसे रैंडी ऑर्टन, Triple H, ब्रॉक लेसनर, बॉबी लैशली, ब्रॉन स्ट्रोमैन, रोमन रेंज एंड जिंदर महाल। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और आपका क्या कहना है फर्स्ट CM Punk के रिटर्न के बारे में, सेकंड ब्रॉक लेसनर के UFC एंड WWE स्टेटस के बारे में, एंड थर्ड रैंडी ऑर्टन वर्सेज बटिस्टा के बारे में भी। तो गाइस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe to our channel Wrestling Bacha. Peace out.